चंद्रपुर में सर्व शिक्षा अभियान की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई है। चंद्रपुर के सिंदेवाही के पेंड्री गांव में स्थित जिला परिषद उच्च प्राथमिक स्कूल के छात्र पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है। भरी धूप में पेड़ की छांव में दरी बिछाकर पढ़ते हुए छात्र वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल स्कूल की इमारत खस्ता हाल है, इसलिए छत का मलबा आए दिन छात्रों पर गिरता था। यह हाल पूरे स्कूल के कमरों और प्रिंसिपल के कैबिन का भी है। ऐसे में डर के माहौल में छात्रों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा था और छात्रों के जान का भी खतरा बना हुआ था। कई बार स्कूल के शिक्षक और पालकों ने इसकी शिकायत भी की, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होने से मजबूरन पिछले 3 महीनों से छात्रों को पेड़ के नीचे अपनी क्लास लगानी पड़ रही है। स्कूल में कक्षा 1 से 6 तक कक्षाएं हैं। शासन और सरकार की लचर प्रणाली कहे या फिर अनदेखी, जिसके कारण सरकारी स्कूलों की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। गांव की सरपंच तारा राउत ने स्कूल की नई इमारत बनाने का प्रस्ताव जिला परिषद शिक्षण अधिकारी के तरफ भेजा है, लेकिन इस पर फिलहाल कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। स्कूल के मुख्य अध्यापक बंधु राउत भी स्कूल की खस्ता हालत से परेशान है। वो बताते हैं कि स्कूल की पूरी इमारत जीर्ण हो चुकी है, छत का मलबा छात्रों के ऊपर गिरता है, बारिश में भी परेशानी होती है, हमारा ऑफिस भी बुरे हाल में है। छात्र भी नई इमारत की मांग लगातार कर रहे हैं, तो वहीं पालक भी अपने बच्चों को लेकर चिंता में है कि आखिर बच्चों को सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ने भेजा जाए, जहां बच्चों के लिए कमरे तक सुरक्षित नहीं है। सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। शायद यही वजह है कि सरकारी स्कूल में छात्रों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है और निजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। माझे नाव तुषार ईशान बवने, मी 6 वर्गातला। माझ्या डोळ्यावर एक ढेकूण पडला होता। आमची इमारत जुनी झालेली आहे। आम्ही दिवाळीपासून बाहेर बसत आहोत। माझे पूर्ण नाव सावी गौतम रामटेके, शाळेचे नाव जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा पेंड्री कोके, 6वी। आमच्या वर्गाची इमारत जुनी असल्यामुळे तिचं एक दगड खाली पडलं आणि एका मुलाला लागलं, त्याला दुखापत झाली आणि तेव्हापासून आम्ही इथेच बसले। आम्ही इथे बसल्याला 2-3 महिने झाले। मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा पेंड्री कोके, आमच्या शाळेची अवस्था अशी आहे की जवळपास ज्या 4 रूमा आहे त्या 4 म्हणजे ऑफिसपासून 4 रूमा जरा जीर्ण झालेले आहे आणि काही खोल्यामध्ये पाणी गळतात आणि ऑफिसची जे रूम आहे हे जरा काही असे दगडदुगड म्हणजे खिपलं निघालेले आहे, हे सुद्धा जीर्ण झालेले आहे। दुसऱ्या बिल्डिंग आहे पुन्हा 2 जॉईंट बिल्डिंग आहे, त्या बिल्डिंगमध्ये मुलं बसतात 5वा आणि 6वा। ह्या दोन्ही बिल्डिंगमधून कधी कधी वरती ते खिपलं पडतात। कवलीची बिल्डिंग आहे तर कवली कधी कधी पडतात। एका मुलाला असंच भिंतीच्या साईडला बसला असता त्याला एक खिपल पडलं आणि त्याला त्याच्या डोळ्याला थोडासा मार किरकोळ मार लागलेला होता आणि तेव्हापासून आम्ही हे मुलं शाळेच्या बाहेर म्हणजे झाड आहे त्या झाडाखाली दरी टाकून त्या ठिकाणी बसवत असतो आणि त्या ठिकाणी बसवत असताना काही इथे त्रास होतात पाण्या पावसाचा ऊनचा, कधी जिकडे तिकडे आम्हाला मुलांना हलवावं लागतात मग अशा वेळेस। आणि या 4 खोल्या इथे या शाळेमध्ये पेंड्री कोके या शाळेमध्ये एकूण 8 खोल्या आहे, 8 पैकी 4 खोल्या ह्या जीर्ण झालेल्याच आहे आणि त्यापैकी जे जॉईंट बिल्डिंग आहे ती निर्लिखित झालेली आहे। मी तारा अरविंद राऊत, सरपंच घटक ग्रामपंचायत पेंड्री कोकेवाडा, जिल्हा परिषद शाळेला भेट दिली असता काही वर्गाची मुलं झाडाखाली बसून शिक्षण घेत होते। त्यांना विचारलं झाडाखाली का बसले, सर्व मुलांनी उत्तर दिलं वर्ग खोली मोडकळीस झाली, कवेलूचे तुकडे अंगावर पडतात, काही मुलांना दुखापत झाली, त्यामुळे आम्ही इथे बसतो। देवीदास रामदास लेंगुरे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा पेंड्री कोकेवाडा। आमच्या शाळेची व्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे आणि शाळेच्या भरपूर अशा समस्या आहेत। शाळा मोडकळीस झाली आहे, शाळेमध्ये शिक्षक लोक नाही, 7 शिक्षक होते त्याच्यामध्ये 5 शिक्षक उरलेले आहेत। या सर्व बाबीकडे शासन आणि प्रशासनाने लक्ष केंद्रित करावं अशी आमची अपेक्षा।
चंद्रपुर जिला में सिंधेबाई तालुका में एक पेंड्री पेंड्री करके गांव है, उधर का एक जिला परिषद शाला के एक माहिती मिला होता कि उधर का इमारत आने बिल्डिंग का दुरुस्ती का आवश्यकता है करके, तो उस संदर्भ में मैं बीडीओ को और गठन अधिकारी से इन्फॉर्मेशन लिया था। उसके अनुसार उधर एक्चुअली दुरुस्ती का आने मेंटेनेंस वर्क का गैरेज है बेसिकली, तो वो संदर्भ में जूनियर इंजीनियर आने डिप्टी इंजीनियर ऑलरेडी मैंने बोल चुका है कि उधर का एस्टिमेट तैयार करने के लिए और अगले साल का जिला नियोजन निधि से वो लेने का ऑलरेडी डिसीजन लिया है हम लोग ने। और अभी जो तात्पुरती व्यवस्था ने जो दुरुस्ती का काम करना है, मेंटेनेंस का काम करना है, वो करने के लिए मैं बीडीओ वाला ऑलरेडी निर्देश दिया है। एनबीसी न्यूज के लिए चंद्रपुर के पेंड्री जिला परिषद स्कूल से सुनील ताड़े की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।